नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के शेयर में 10 जुलाई के लिए हमें क्या क्या नजरिया बना के रखना है। जैसे नोटिस कर सकते हो अंबुजा सीमेंट का हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा, ओवरऑल ये जो ट्रेंड है इसके एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप इस तरीके से ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। आज की ट्रेडिंग सेशन देखें तो 3% 3.5% की गिरावट देखने को मिल रहा है और सपोर्ट लाइन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 395 का। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों को करना है क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, एक तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड का भी ब्रेक डाउन हुआ है, राइट। डाउन ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड से भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो अभी कंडीशन क्या हो सकता है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे नीचे आ रहे तो यहाँ पर सपोर्ट लाइन है, तो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो क्लियर गिरावट भी दिखने को मिल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर आपके पास में होल्डिंग है, यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। अब टारगेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पहला जो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पहला टारगेट था यहाँ पे 467 का, इसने ऑलरेडी अपना पहला टारगेट को हिट कर दिया। अब दूसरा टारगेट जो इसका इंतजार कर रहा है 531 का, उसके बाद रहेगा दोस्तों यहाँ पे 597 का। दोस्तों टारगेट है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंबुजा सीमेंट के शेयर में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल जाएगा 425 का, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन रहेगा यहाँ पे 435 का। धन्यवाद।